गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर टू के बचे हुए न्यूमेरिकल्स को भी बनाएंगे आज देखते हैं ठीक देखिए क्वेश्चन है फॉर अ स्टीम टरबाइन टरबाइन के लिए है स्टीम एंटर्स विथ अ विलासिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्टीम का जो एंट्री विलासिटी है वो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है स्पेसिफिक एंथेल्पी थ्री थाउजेंड किलो जूल पर के जी है ठीक है स्पेसिफिक एंथेल्पी आपको थ्री थाउजेंड दे दिया है इनलेट पॉइंट पे दिस स्टीम कम्स आउट फ्राम द टर्बाइन विथ फिलोसिटी ऑफ फोर्टी मीटर पर सेकेंड एंड स्पेसिफिक एंथेल्पी टू फाइव डबल जीरो के जी पर के जी किलो जुल पर के जी और एग्जिट पे बिलासिटी है फोर्टी मीटर पर सेकेंड और स्पेसिफिक एंथेल्पी है टू फाइव डबल जीरो किलो जुल पर के जी हीट लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज ट्वेंटी फाइव किलो जुल पर के जी हीट लॉस हो रहा है इस प्रोसेस में जो कितना है ट्वेंटी फाइव किलो जुल पर के जी इफ मास फो रेट ऑफ स्टीम इज 6000 थाउजेंड के जी पर मिनट फाइंड द पावर आउटपुट इन मेगावाट आपको पावर आउटपुट निकालना है मेगावाट में हम वाट में निकालेंगे और फिर बाद में उसको मेगा में कन्वर्ट कर देंगे स्टीम का जो मास फ्लो रेट है वो 6000 थाउजेंड के जी पर मिनट है अब हम आगे इसको यूज़ करेंगे देखिए इनलेट विलासिटी दिया है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड वी वन स्पेसिफिक एंथेलपी को ले लेंगे एच वन थ्री थाउजेंड किलो जूल पर के जी एग्जिट विलोसिटी वी टू दिया हुआ है फोर्टी मीटर पर सेकेंड एग्जिट स्पेसिफिक एंथेलपी दिया हुआ है टू फाइव डबल ज़ीरो किलोजुल पर के जी तो इससे ये हमको समझ में आ रहा है कि विलासिटी और एंथेलपी को यूज़ किया गया है एक साथ इस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में तो उसी इक्वेशन को हमको यूज़ करना पड़ेगा तो हम एक टर्बाइन का डायग्राम बना लिए हैं देखिए ये टर्बाइन का सिंबॉलिक डायग्राम होता है ऐसे ही बनता है टर्बाइन का सिंबॉलिक डायग्राम ठीक है कन्वर्जिंग फेस में बनता है ये अब देखिए यहाँ पर कि एंट्री पॉइंट जो है यहाँ पे स्पेसिफिक एनथेल्पी को स्पेसिफिक लिख दिया इसलिए इसको स्मॉल एच वन लिख रहे हैं अगर नॉर्मल एनथेल्पी लिखा होता तो इसको कैपिटल एच वन लेते हैं ओके एंड बिलोसिटी हो गया वी वन एंट्री पॉइंट ये माना जाता है एग्जिट पॉइंट ये माना जाता है टर्बाइन के लिए पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू और ये जो मिडिल पोर्सन है यहाँ से एक रिफेंस लाइन से हमने क्या ले लिया हाइट ले लिया है जेड वन जेड टू रिफेंस लाइन ले लिया हिट लॉस दिया हुआ है अपने को ट्वेंटी फाइव जूल पर के जी. देखिए हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लगा दिया टू एच टू प्लस बी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जी जेड टू प्लस डेल डब्ल्यू अब देखिए जेड वन और जेड टू तो कॉमन है तो और जी का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होता है तो ये पोर्सन तो यहीं कैंसिल हो गया तो हमारे पास अब बच गया एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस डेल क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस बी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस डेल डब्ल्यू जब भी हाइट या रिफ्रेंस नहीं दिया होगा एनर्जी क्वेश्चन में या टर्बाइंस के केस में डिफ्यूजर के केस में जो भी एप्लीकेशन हमने पढ़े हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के तब आपको क्या करना है इनको आपको कॉमन ले लेना है एच वन और एच टू को सेम मानना है रिफरेंस लाइन में क्योंकि तो जो मिडिल पोर्शन होता है टर्बाइन का वो जनरली सेम हाइट पे ही होता है अब यहाँ से देखिए डेल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा एच वन माइनस एच टू हो जाएगा इधर और ये इधर आ गया तो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी हो गया प्लस डेल क्यू हो गया एच वन एच टू का वैल्यू है रख दिए वी वन वी टू का भी वैल्यू है रख दिए जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये भी रख दिया माइनस ट्वेंटी फाइव इसको सॉल्व कर दिए हमको मिल गया फोर वन थ्री पॉइंट सेवन एट अब यूनिट क्या मिलेगा जो डेल क्यू का यूनिट है डेल क्यू का यूनिट है हमारा कितना किलो जूल पर के जी तो यहाँ पर भी मिल गया किलो जूल पर के जी ठीक है अब देखिए मास फ्लो रेट हमको दिया था सिक्स थाउजेंड किलो जूल पर मिनट इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट किए मिनट को सिक्सटी किए तो सिक्सटी से इसको काटे तो मिला आपने अब, अब हमको मिला हंड्रेड किलो के जी पर सेकेंड ठीक है छः सिक्स थाउजेंड के जी पर मिनट का सप्लाई हो रहा है पर पर सेकेंड में देखें तो हंड्रेड के जी का सप्लाई हो रहा है देन किलो जूल पर के जी है इस यूनिट को कैसे कन्वर्ट होगा देखिए डेल डब्ल्यू ड़ में जब के जी पर बाई सेकंड का इंटू होगा हंड्रेड इंटू फोर वन थ्री पॉइंट सेवन एट फोर वन थ्री पॉइंट सेवन एट हो गया डेल डब्ल्यू ड़ और ये हो गया हंड्रेड इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो इसका यूनिट है के जी पर सेकेंड इसका यूनिट है किलो जूल पर के जी के जी के जी कैंसिल आपको मिला किलो जूल पर सेकेंड और आपको पता है जूल पर सेकेंड जो होता है उसी को हम कहते हैं वॉट तो उसी हिसाब से हमको मिल गया फोर वन थ्री सेवन एट किलो और जूल पर सेकेंड को लिख दिया हमने वॉट अब मेगावाट में कन्वर्ट करना है किलो को तो क्या करना पड़ेगा टेन टू द पावर थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि तो वन मेगा जो होता है वो होता है टेन टू द पावर सिक्स वाट इसीलिए वन किलो वॉट इज इक्वल टू होगा टेन टू द पावर थ्री मेगा वार्ट. तो इस तरह से हमको पावर आउटपुट मिल जाएगा तो इस तरह से आप स्टडी फुल एनर्जी इक्वेशन का यूज करते हुए भी न्यूमेरिकल्स बना लेंगे ओके और अब इस यूनिट का एक आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं हम देखिए क्वेश्चन है अ गैस विथ इनिशियल प्रेशर सिक्स बार इनिशियल वॉल्यूम जीरो पॉइंट जीरो थ्री मीटर क्यूबिक ठीक प्रेशर दिया है सिक्स बार और इनिशियल वॉल्यूम दिया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री मीटर क्यूबिक गेट एक्सपेंडेड टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन मीटर क्यूबिक फाइंड द वर्क डन फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस नंबर वन नंबर टू टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आंसर देखते हैं देखिए पहले दिया हुआ था अपने को गिवन प्रेशर दिया हुआ था पी वन इज इक्वल टू सिक्स बार सिक्स इंटू टेन टू द फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देंगे इसको ओके क्योंकि बार इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वॉल्यूम V1 वन जितना दिया था वो लिख लिया हमने जीरो पॉइंट जीरो थ्री और फाइनल वॉल्यूम जो था हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो नाइन मीटर क्यूबिक उसको भी हमने यूज़ किया डन निकालना है कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डन होता है पी डी वी या पी बी टू माइनस वन हमारे पास वैल्यूज हैं हमने रख दिया वैल्यूज को हमको मिल गया सिक्स इंटू टेन टू द फाइव अंडर बैकेट जीरो पॉइंट जीरो नाइन माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री और जब इसका इसको सॉल्व किए तो मिल गया थर्टी सिक्स थाउजेंड क्या मिलेगा यूनिट जूल मिलेगा ओके का यूनिट मिलेगा जूल फिर है नंबर टू फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस उसके लिए हमने पढ़ा था पी वन बी वन एल एन या तो पी वन बाई पी टू या तो वी टू बाई वी वन अब पी वन बाई पी टू का रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे वी टू बाई वी वन के रेशियो को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो सिक्स इंटू टेन टू दॉवर फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो नाइन भाई जीरो पॉइंट जीरो थ्री ओके और जब इसको सॉल्व किए तो आपको मिलेगा 19.77 वन नाइन पॉइंट सेवन सेवन किलो जून यूनिट निकालना तो अब आप सीख ही गए हैं और अगर कुछ दिक्कत हो फिर भी तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो ये आपका सेकेंड यूनिट खत्म होता है यहाँ पर और इसके जितने जितनेरिकल्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में जो जैसा भी डाउट हो ट्यूटोरियल क्लास ना भी हो तो भी आप मुझसे फ़ोन करके कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं डोंट वरी टू कॉल मी ओके थैंक यू